दोस्तों बिहार ब्लॉक में नई भर्ती को लेकर के अपडेट जारी कर दिया गया। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे बिहार पंचायती राज विभाग है, इसमें जो है आप लोगों को लिपिका का जो पद है, इसमें आप लोगों को कलर को लेकर के रिक्वायरमेंट अपडेट जारी किया गया। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे सभी ब्लॉक में होगी भर्ती और ऑनलाइन आवेदन शुरू, ठीक है। और इसमें जो रिक्वायरमेंट है आप लोग को लिपिका जो पोस्ट होता है, इसमें कितने पोस्ट पर रिक्वायरमेंट आ रहा है, कब से इस पोस्ट को आप लोग आवेदन कर पाएंगे, उसको लेकर के संपूर्ण जानकारी वीडियो में आप लोग को मिलने वाला है। इसका सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है उसको भी लेकर के इस वीडियो में पूरा संपूर्ण जानकारी इसमें आप लोगों को देने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जैसे कि रिजल्ट बिहार से इस आप लोगों को साइट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पूरा डिटेल में जानकारी देंगे और यहीं से आप लोग को इस फॉर्म को फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे सभी ब्लॉक में भर्ती और ऑनलाइन आवेदन शुरू, ठीक है। इसमें जैसे रिक्वायरमेंट जो है आप लोग को देखेंगे तो बिहार पंचायती राज कलर के वैकेंसी 2023 को लेकर के आवेदन करें शुरू, और यहाँ पे जैसे रिक्वायरमेंट जो है कितने पोस्ट पे रिक्वायरमेंट आ रहा है उसको भी लेकर के यहाँ पे अपडेट मेंशन कर दिया गया। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे बिहार पंचायती राज क्लर्क पदों के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो वह इस आवेदन पत्र को ऑनलाइन मोड में मतलब अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग को संपूर्ण जानकारी भी दिया गया और यहाँ पे बताया भी गया है कि इसमें जैसे कि इस भर्ती को लेकर के जो है अभी जो है आप लोग को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, ठीक है। और बहुत ही जल्द पंचायती राज क्लर्क के पदों के लिए आवेदन पत्र मांगा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है ये कितने पोस्ट पर रिक्वायरमेंट है उसको भी लेकर के यहाँ पे अपडेट मेंशन किया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये जो है जैसे कि इसका जो रिक्वायरमेंट का पोस्ट है ये आप लोग को बताया गया है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे बिहार पंचायती राज क्लर्क वैकेंसी 2023, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग को अप्लाई करना होगा तो ये जो है आप लोग को क्लिक हेयर पे कर सकते हैं। नोटिफिकेशन देखना होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को पूरा संपूर्ण जानकारी यहाँ पर मिलेगा। ये जो रिक्वायरमेंट है आप लोग को 10वीं और 12वीं पास पे हुआ है, मतलब 10वीं और 12वीं पास हैं तो इस पोस्ट को आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें जैसे आप लोग देखेंगे तो रिक्वायरमेंट कितने पोस्ट पे है उसको भी लेकर के यहाँ पे अपडेट मेंशन किया गया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिए जैसे कि ये जो रिक्वायरमेंट आप लोग को है यहाँ पे अभी आप लोग को बताया गया है रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, तो ये आप लोग को 559 ऐसे ही कुछ पोस्ट है यहाँ पे आप लोग को दिखा देते हैं। इस पोस्ट को लेकर के भी बताया गया है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे कि इस रिक्वायरमेंट को लेकर के टोटल जो पोस्ट है बिहार पंचायती राज में खाली पद जो है 675 पदों पे रिक्वायरमेंट है, यानी कि जितने भी आप लोगों को ब्लॉक है उसमें ब्लॉक स्तर पे जो क्लर्क का जो पोस्ट है इसी पोस्ट पे रिक्वायरमेंट को लेकर के अपडेट मेंशन कर दिया गया। और ये जो है आप लोग को फॉर्म भरना भी कब से स्टार्ट हो रहा है उसको भी लेकर के इसमें आप लोग को अपडेट मेंशन कर दिया गया। तो ये जो आप लोग को देखेंगे तो यहाँ पर जो ये आप लोग को 675 पोस्ट है ये अच्छा खासा पोस्ट है, ठीक है। जो हर एक ब्लॉक में आप लोग को क्लर्क का जो है आप लोग यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट को लेकर के अपडेट मेंशन किया गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसको लेकर के क्या क्या प्रोसेस है, जैसे किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है, आयु सीमा क्या रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पे पूरा संपूर्ण जानकारी मेंशन किया गया, जैसे कि बिहार पंचायती राज क्लर्क की वैकेंसी 2023 के तहत आयु सीमा, तो इसमें आप लोग को देखेंगे तो पंचायती राज विभाग की ओर से क्लर्क स्तरीय पदों को भरने के लिए आयु सीमा को लेकर कभी मतलब किसी भी प्रकार की नोटिस जारी नहीं किया गया, लेकिन आप लोग को अपडेट दे दिया जाएगा। बिहार पंचायती राज क्लर्क की वैकेंसी 2023 के तहत फीस क्या लगेगा, तो फीस आप लोग को नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बिहार पंचायती राज क्लर्क की वैकेंसी 2023 के तहत शिक्षा संबंधित जानकारी, तो ये आप लोग को देखेंगे जैसे पंचायती राज विभाग से क्लर्क स्तरीय पदों को भरने के लिए यहाँ पे जो है शिक्षा संबंधी जानकारी को लेकर के भी आप लोग को जो नोटिफिकेशन आ रहा है उसमें आप लोग को अपडेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन है आप लोग को बिहार पंचायती राज bihar.com पे जाकर के आप लोग देख सकते हैं, या जो ये आप लोग को बिहार रिजल्ट है यहाँ पे भी आप लोग आकर के देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पंचायती राज क्लर्क के लिए जो है आप लोग को यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट है उसको किस किस तरीके से डिवाइड किया गया है, जैसे कि निम्न वर्गीय लिपिक पद के लिए जो है यहाँ पे आप लोग को 593 पद भरे जाएंगे, उच्च वर्गीय लिपिक पद के लिए 42 पोस्ट भरे जाएंगे, प्रधान लिपिक के लिए 31 और कार्य अधीक्षक के खाली पदों के लिए 9 पद भरे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें पोस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग को एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे बिहार पंचायती राज क्लर्क वैकेंसी के लिए आवेदन जो है आवेदन करने की जरूरत बात है, तो यहाँ पे ये सारे चीज़ जो है आप लोग को डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को ये सारा डॉक्यूमेंट्स मेंशन करना होगा और इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को फॉर्म भरना होगा, ठीक है। जिस तरीके से अन्य आप लोग फॉर्म भरते हैं उसी तरीके से ये भी फॉर्म आप लोगों को भरना होगा। तो ये है पंचायती राज विभाग
जो लिपिक का जो क्लर्क का पोस्ट है उसको लेकर के ऑफिशियल नोटिस भी मेंशन किया गया और इस तरीके से आप लोग को ब्लॉक में भर्ती को लेकर के आवेदन जो है यहाँ पे अपडेट दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग जा करके इसमें जैसे जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिस आ रहा है उसके बाद आप लोग को एक और वीडियो आएगा, ठीक है, जिसको किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है उसका संपूर्ण जानकारी उस वीडियो में आप लोग को दिया जाएगा। तो इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए जिससे यहाँ से जो भी अपडेट होगा सरकारी एग्जाम से लेकर के उसका सबसे पहले आप लोग को इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिल सके और इस चैनल से आप लोग जो है आप लोग तैयारी भी कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग को अभी बिहार पुलिस का हो गया रिक्वायरमेंट, ठीक है, अभी यूपी पुलिस का रिक्वायरमेंट आ रहा है, तो इन सभी का रिक्वायरमेंट को लेकर के भी आप लोग को यहाँ पे टारगेट पे स्टार्ट हो रहा है। तो इस चैनल से जुड़िए और यहाँ से भी आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।